किसी ने कहा है कि इस दुनिया में सफल ना हो पाने का कारण यह नहीं है कि हम अपनी लिमिट से बड़ा सपना देख लेते हैं, बल्कि इसका कारण यह है कि हम अपनी लिमिट से बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करते। एक बच्चा 4 साल तक बोलना नहीं सीख पाता, उस बच्चे के बाप को भी लगता है कि मेरा बेटा लाइफ में कुछ भी करने के लायक नहीं है। वो बच्चा बड़ा होकर इंश्योरेंस सेल्समैन बनता है, लेकिन उसमें भी फेल हो जाता है। कोई सोच सकता है कौन है वो बंदा? अल्बर्ट आइंस्टाइन एक ऐसा भी बंदा था जिसको रुलाने में उसकी जिंदगी ने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन उसी बंदे ने दुनिया को हंसाने में अपनी जिंदगी लुटा दी। चार्ली चैपलिन नाम था उनका। एक फीमेल सिंगर जब अपना पहला गाना रिलीज करती है तो उसकी पूरी दुनिया में सिर्फ 200 कॉपी बिकती है, और उसके 10 साल बाद तक उस सिंगर को कोई नहीं जानते। लेकिन उस सिंगर ने इन 10 सालों में इतनी मेहनत करी कि एक गाना ऐसा आता है जो दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है। कैटी पेरी नाम है उनका। देखो, फेल होना कोई हार नहीं है। फेल का मतलब है कि जहां से आए थे वापस जाओ और अपने आप को बेहतर बना के लाओ। जब महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन से पूछा गया कि क्या उनको अफसोस नहीं है कि वो बिजली का लट्टू बनाने के लिए 1000 बार फेल हो गए, तो उनका जवाब आया कि मैंने वो 1000 तरीके सीख लिए जिनसे दुनिया का कोई भी इंसान बिजली का लट्टू नहीं बना सकता, और जब मुझे ये पता लग गया कि इन तरीकों से बल्ब नहीं बनाया जा सकता तो मैं इनके अलावा कुछ और ढूंढूंगा। और फिर पता ही है क्या हुआ, आज हमारे घर में अगर एक भी दिन बल्ब ना जले तो अजीब सा लगता है। एक बेटे को उसका बाप मेडिकल पढ़ाई करने के लिए कॉलेज में डालता है, लेकिन उस बेटे का मन मेडिकल में ना होकर प्रकृति में था। उसने कॉलेज छोड़ दी। उसके बाप ने बोला कि ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी असफलता है कि मेरे बेटे ने कॉलेज छोड़ दी। बाप ने दूसरी कॉलेज में एडमिशन करवा दिया और बेटा वहां से भी भाग आया कि मुझे मजा नहीं आ रहा। फिर उस लड़के ने वो किया जो उसको लगता था कि सिर्फ वो कर सकता है, और अपनी गिनती दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में लिख के चला जाता है। चार्ल्स डार्विन नाम था उनका, जिन्होंने वैज्ञानिक बनने के बाद खुद स्वीकार किया कि मेरे घर वाले और मेरे टीचर्स मुझे हमेशा बिलो एवरेज ही समझते थे। लेकिन समझने से वो चीज थोड़े बदल जाती है जो आप हो। इन लोगों ने कभी अपने आप को लिमिट से नहीं बांधा, चाहे इमेजिनेशन की हो, चाहे हार्डवर्क की हो, चाहे टारगेट की हो। इन लोगों ने उस लिमिट के बाहर सोचा है और किया है जिस लिमिट में हम में से अधिकतर लोग जीते हैं। और जब उन्होंने उस लिमिट से बाहर सोचा है तो उन्होंने वही पाया है जो खुद अपने आप में लिमिटलेस था। वीडियो के अंत में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की लाइन बोलना चाहता हूँ कि असफलता हमारे ऊपर तब तक हावी नहीं होती जब तक हमारी सफलता की परिभाषा स्ट्रांग होती है। इसलिए अपनी लिमिट की दीवार को तोड़ो, उठो और मेहनत करो। देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करो। जय हिंद, वंदे मातरम। Jeet Fix.